वो हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर से हम जो है वो चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन है कि चैप्टर नंबर 18 के अंदर हम बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है इसका टाइटल, और इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली करंट को कंट्रोल करेंगे कि किस तरह से हम जो है वो किसी भी सॉलिड के अंदर, मटेरियल के अंदर या वैक्यूम के अंदर करंट को जो पास होता है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो है इसका इंट्रोडक्शन है। इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट मेक यूज़ ऑफ अ कंट्रोल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू डिफरेंट मीडिया ऑफ अ वैक्यूम। हम किसी भी वैक्यूम या किसी भी मीडिया के अंदर से करंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो हमने देखा है कि जब हम किसी बैटरी को किसी रेजिस्ट किसी मटेरियल के अक्रॉस या किसी कंडक्टर के अक्रॉस उसको कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर से करंट पास होता है। जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज कम करेंगे तो करंट भी कम होगा। लेकिन बैटरी की वोल्टेज को कम ज़्यादा किए बगैर हम जो है डिवाइस के अंदर ही जो है वो करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, और उस करंट को कंट्रोल करने के लिए हमें स्पेशल किस्म का मटेरियल बनाना पड़ता है। और वो करंट कंट्रोलिंग जो डिवाइसेज होती हैं वो बेसिकली सेमी कंडक्टर मटीरियल से बनी होती हैं। सेमी कंडक्टर मटीरियल हमने पढ़े हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम वगैरह होते हैं। पीरियाडिक टेबल में ग्रुप नंबर 4 से जितने भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे जो है वो सेमी कंडक्टर्स हैं, उनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो सेमी कंडक्टर मटीरियल की हेल्प से हम जो है वो करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने यही पढ़ना है। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है 18.1 ब्रीफ रिव्यू ऑफ पी एन जंक्शन एंड इट्स करेक्टरिस्टिक। हमने यहाँ पे पी एन जंक्शन के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करना है, उसकी करेक्टरिस्टिक भी हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है इस चैप्टर क्वेश्चन नंबर 18.1 में। इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन क्या होता है? हमने इसे पहले पढ़ा होगा कि सिलिकॉन जो है वो इंट्रिंसिक फॉर्म में होता है जब वो कम्प्लीटली उसके अंदर सिलिकॉन हो, और जर्मेनियम भी वैसे ही होता है। लेकिन अगर हम इन सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर किसी किस्म की पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट की इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो तब उसकी, हमने देखा था कि इसको हम डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग के केस में किसी भी मटेरियल की जो हमारे पास कनेक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। पी एन जंक्शन क्या है? पी हमारे पास पी टाइप मटेरियल है, एन हमारे पास एन टाइप मटेरियल है। जब कभी हम जो है वो पी में ट्राइवेलेंट की इम्प्योरिटी और एन में पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमारे पास पी और एन टाइप जो मटेरियल होते हैं उसको अगर इकट्ठा हम एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो मटेरियल होते हैं उसको पी एन जंक्शन या पी एन मटेरियल का नाम देते हैं। इसका डेफिनेशन ऐसे लिखी हुई है, इफ़ द क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन इज ग्रोन, ग्रोन का मतलब है कि डूपिंग इन सच अ वे दैट इट्स वन हाफ इज डूब्ड विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एंड द अदर हाफ इज डूब्ड विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड अ पी एन जंक्शन। जब हम जो है वो किसी भी सिलिकॉन का या जर्मेनियम के मीडियम के अंदर हाफ को ट्राइवेलेंट की इम्प्योरिटी ऐड कर दें और हाफ को जो है वो पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो हमारे पास जो मटीरियल आते हैं उसको पी एन जंक्शन जो है वो बन जाता है। पी एन जंक्शन क्या है, इसको एक डायग्राम से हम समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक पूरा जो है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक मटीरियल था, उसके अंदर हमने ये जो इस साइड है यहाँ पे हमने ट्राइवेलेंट की इम्प्योरिटी ऐड की तो हमारे पास जो है वो एक होल जनरेट हो गया, इसको पी टाइप का नाम दिया हुआ है। इस हाफ सेक्शन के अंदर हमने जो है वो पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी ऐड की तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आए, तो ये जो नेगेटिव है फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको हमने एन टाइप का नाम देना है। जब हम एन और पी टाइप को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं तो ये जो सारा हमारे पास मटीरियल आता है इसको पी एन जंक्शन कहते हैं, जहाँ पर ये दोनों मिले होते हैं इसको हम डिप्लीशन रीजन का नाम देते हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, यहाँ पे मौजूद जो ये जो पॉजिटिव है इनको हम होल्स का नाम देते हैं, और एन टाइप मटेरियल के अंदर ये जो नेगेटिव हैं इनको हम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो पी टाइप मटेरियल के अंदर हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ये होल्स हैं, और एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी, मेजॉरिटी कहते हैं जो ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर हम पी टाइप के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करें तो वो कुछ चंद एक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और अगर हम एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करें तो वो चंद एक जो है वो होल्स भी होंगे। होल्स को हम जो है वो इस जो है वो होल के साथ, होल्स को हम जो है वो इस सर्कल के साथ, होल्स के साथ शो करें, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम बेसिकली आपकी बुक के ऊपर जो है इस तरह से डॉट के साथ शो किया हुआ है। ये हमारे पास जो है वो पी एन जंक्शन है। जब पी और एन जंक्शन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो अगर हम इस साइड पे देखें तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो पॉजिटिव मतलब होल्स हैं, और इस जगह पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पी टाइप मटेरियल के अंदर जो है वो मेजॉरिटी में
पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो लेने की सलाहियत रखता है, और एन टाइप को अगर हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब नेगेटिव चार्जेस हैं, और ये पी टाइप को अपने अंदर जो है वो मतलब इसके पास पी टाइप की मतलब पॉजिटिव चार्जेस की कमी है। जब ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से इस तरफ आएंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कमी है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ जंप करके यहाँ पे आएंगे, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पे डिफ्यूजन का जो है प्रोसेस होना शुरू हो गया। जब ये डिफ्यूजन टेक प्लेस होगी तो उस वक्त हमारे पास कुछ इस तरह से एक रीजन बन जाएगा, जिस रीजन को हम जो है डिप्लीशन रीजन का नाम देते हैं, मतलब ये इस तरह से रीजन इस सेक्शन से यहाँ पे मौजूद इतने रीजन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे, तो हमारे पास ये जो सारा रीजन है इस रीजन को हम डिप्लीशन रीजन का नाम देते हैं। डिप्लीशन रीजन के अंदर एक चीज़ जो आपने नोट करनी है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस साइड पे आएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएंगे, तो बेसिकली शफलिंग हुई है चार्जेस की, और चार्जेस की जब शफलिंग होती है किसी एटम के ऊपर चार्जेस आते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, या कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस वजह से ये जो सारा रीजन है ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स क्रिएट हो गए। पॉजिटिव नेगेटिव आयन के दरमियान एक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, और इस बाउंड्री के क्रॉस एक ऐसी अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, मज़ीद ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस साइड पे नहीं आ पाएंगे और मज़ीद ये पॉजिटिव जो होल्स हैं ये जंप करके इस साइड पे नहीं जा पाएंगे, तो ये इस सारे रीजन को हम जो है वो डिप्लीशन रीजन का नाम देते हैं। डिप्लीशन रीजन के अंदर जो है किसी किस्म के चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करते, ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही होल होते हैं, बल्कि इसकी दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे जो है होल्स होते हैं, लेकिन इस डिप्लीशन रीजन के अंदर जो है किसी किस्म के चार्ज कैरियर एग्जिस्ट नहीं करते। हमारे पास बेसिकली जो हम पीएन जंक्शन बनाते हैं या तो सिलिकॉन से बनाते हैं या जर्मेनियम से बनाते हैं, अगर तो ये हमने सिलिकॉन से बनाया तो उस वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान ये कैसी मतलब वाल्स क्रिएट हो जाएंगे, ऐसा पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, तो इस जगह पे हम जो है पोटेंशियल इसको बैरियर भी नाम देते हैं। ये डिप्लीशन रीजन के क्रॉस एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा जिसको हम पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं। सिलिकॉन का जो पोटेंशियल होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, इसको पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं, और अगर जर्मेनियम हो तो उसका पोटेंशियल बैरियर जो है 0.3 जो है वोल्ट उसका पोटेंशियल बैरियर होता है। अगर हम इसको देखें तो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को अगर हम सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं, पी टाइप जो मटेरियल होता है इसकी टर्मिनल एक टर्मिनल यहाँ से निकलेगा और एक एन टाइप से एक टर्मिनल यहाँ से निकलेगा। पी टाइप के साथ जो टर्मिनल अटैच है इसको इनोड का नाम देते हैं, और जो एन टाइप के साथ अटैच है इसको कीथोड का नाम देते हैं। इसका जो पी टाइप और एन टाइप का जो सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन जो हमने सर्कल में करनी है वो हमारे पास इस तरह से होगा, जो पी टाइप मटेरियल होता है उसको हम इस तरह से एरो के साथ शो करते हैं, पी टाइप मटेरियल को इस तरह से एरो के साथ शो करेंगे, और ये जो एन टाइप मटेरियल होगा इसको हम एक परपेंडिकुलर लाइन के साथ शो करेंगे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन से एक टर्मिनल निकलेगा और एक इस एरो से टर्मिनल निकलेगा, तो इसको हम एनोड और इसको हम जो है कैथोड का नाम देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो जब कभी पी एंड एन जंक्शन बन जाता है उसका सिंबल ये, और इसको हम जो नाम देंगे इसको हम पी एन जंक्शन डायोड का नाम देंगे, जहाँ कहीं पे हमारे पास ये आ जाता है इसको डायोड का नाम देते हैं। आपसे कभी पूछा जाए कि डायोड क्या होता है, आपने बताना है पी और एन टाइप जब एक दूसरे में मिल जाते हैं पी एन जंक्शन बन जाते हैं इसको डायोड कहते हैं, डायोड के दो टर्मिनल्स होते हैं इस तरह से। अब ये जो पीएन जंक्शन है या जो डायोड है इसकी हम बायसिंग कर सकते हैं। व्हाट इज़ द बायसिंग? बायसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जब हम पीएन जंक्शन को या डायोड को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, उसके अंदर से करंट पास हो तो उसको हम कहते हैं बायसिंग है। इफ़ द बैटरी हैव सम ईएमएफ, अगर कभी कोई बैटरी हो जिसकी ईएमएफ जो है वो कुछ हो, इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ पीएन जंक्शन, जब हम जो है इसको पीएन जंक्शन के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, देन द जंक्शन इज़ सेड टू बी अ बायसिंग जंक्शन, तो उस वक्त हम उस जंक्शन को बोलेंगे बायसिंग है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल बायस कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, फ्लो करके जा रहे हैं। टाइप ऑफ बायसिंग, देर आर टू टाइप ऑफ बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। हमने इन दोनों के बारे में स्टडी करना है, सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ द फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में क्या होता है, जब कभी हम पी टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें और एन टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो इस प्रोसेस को हम जो है इस बायसिंग को हम फॉरवर्ड बायसिंग का नाम देते हैं। जब हम ऐसा प्रोसेस करते हैं तो देखें अब नेक्स्ट अगला लेवल क्या होगा, जब हम इस पोटेंशियल से इसको कनेक्ट कर देते हैं, जैसे जैसे इसका बैटरी का पोटेंशियल बढ़ना शुरू होता है, और अगर हमारे पास सिलिकॉन है और सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट है, जैसे ही हमारा 0.7 वोल्ट से पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो इस जंक्शन के अक्रॉस जो है चार्ज पार्टिकल क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू कर देते हैं।
अब देखिए ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव बैटरी का टर्मिनल है जो कि डायोड के एन के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे मौजूद ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आना शुरू हो जाएंगे, इस साइड पे इनके ऊपर एक रिपेलिंग फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। जबकि ये जो पॉजिटिव है ये यहाँ पे मौजूद पी टाइप के अंदर जो होल्स हैं इनको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड पर आना शुरू हो जाएंगे, इनके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही हमारा पोटेंशियल जो है वो इस 0.7 वोल्ट से बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर सिलिकॉन है, और अगर जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट से, जैसे ही इसका पोटेंशियल बैटरी का ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएंगे और होल जंप करके यहाँ पे आ जाएंगे, और इस तरह से एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। उस करंट को हम जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग या फॉरवर्ड करंट कहते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में जो करंट फ्लो करता है उसको फॉरवर्ड करंट कहते हैं, और फॉरवर्ड करंट अगर आपसे पूछा जाता है कि वो किन चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है, आपको पता है, यू नो दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, फॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में जो करंट फ्लो होता है, देखें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आएंगे और पॉजिटिव होल इस साइड पे आएंगे, तो इस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में जो करंट होता है उसको फॉरवर्ड करंट कहते हैं, और फॉरवर्ड करंट किन चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है, वो यहाँ पे मौजूद मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। अगर हम इसके करंट को यहाँ पे ड्रा करें, मतलब पोटेंशियल दे रहे हैं और इसके साथ साथ करंट पास हो रहा है इस पोटेंशियल को, और यहाँ पे फॉरवर्ड करंट को अगर हम ग्राफ की हेल्प से देखें तो हमारे पास ये आता है, इस साइड पे हमने वोल्टेज लिया हुआ है, एक्स एक्सिस के लोगों को वाई एक्सिस के लोगों करंट लिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही इन दैट केस हमने यहाँ पे पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू किया, शुरू में पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, जब तक हमारे पास सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट नहीं आता, करंट जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ तक तो करंट बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन उसके बाद हल्का सा करंट फ्लो करता है, लेकिन जैसे ही ये पोटेंशियल हम यहाँ से पोटेंशियल आगे जाता है उस वक्त करंट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ शूट आउट करता है। शूट आउट का मतलब है कि ग्राफ बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जाता है, और इसका मतलब है करंट अचानक जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर हम पोटेंशियल यहाँ पे जो मौजूद पोटेंशियल है और यहाँ पे जो सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो जैसे ये बढ़ना शुरू होगा इस पोटेंशियल को ओवरकम करते हुए, जैसे ही इसका 0.7 वोल्ट से पोटेंशियल ज़्यादा होगा, करंट ईजिली फ्लो करना शुरू कर देगा, उस वक्त हमारा ग्राफ यूँ होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो दो लाइनें यहाँ पे ऐसे ड्रा करें, एक लाइन ये और दूसरी लाइन हमारे पास ये है, तो यहाँ पे आने वाला मतलब हमने दो पॉइंट लिए ना इस पूरे ग्राफ के ऊपर, हमने दो पॉइंट लेट किए, तो यहाँ पे आने वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या आएगा, बेसिकली चेंज ऑफ करंट आएगा। और अगर हम इसका प्रोजेक्शन इस एक्स एक्सिस लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो ये दो लाइनें आएंगी, मतलब एक ही पॉइंट का एक्स एक्सिस की चेंज ऑफ करंट आएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये जो रीजन है यहाँ पे चेंज ऑफ जो है वो वोल्टेज आएगा। अगर हम यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में भी कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, उस रेजिस्टेंस को अगर हम लेना चाहते हैं तो वो रेजिस्टेंस हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम लॉ वोल्टेज को, जो हमारे पास इस डायरेक्शन में ये जो वोल्टेज आ रही है इसको यहाँ पे आने वाला जो करंट है इस करंट के साथ अगर डिवाइड करें तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आती है, और फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में बहुत स्मॉल सी जो है वो रेजिस्टेंस यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ये इस वजह से कि अगर हम चेंज ऑफ करंट को देखें तो वो ज़्यादा है, जबकि चेंज ऑफ वोल्टेज क्या है, कम है, तो अगर हम ऊपर वाली वैल्यू देखें तो ये स्मॉल है, जबकि नीचे वाली वैल्यू लार्ज है, जब कभी छोटी सी वैल्यू से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तब हमारे पास जो आंसर आता है वो बहुत स्मॉल आता है। तो मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में बहुत स्मॉल सी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है करंट को। नेक्स्ट हमारे पास जो बाइसिंग की टाइप है वो रिवर्स बाइसिंग है। रिवर्स बाइसिंग के केस में क्या होता है, जब कभी हम पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो इस वक्त बाइसिंग को हम रिवर्स बाइसिंग का नाम देते हैं। रिवर्स बाइसिंग के केस में क्या होता है कि यहाँ पे मौजूद ये जो हमने मतलब एन को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया और पी को हमने नेगेटिव के साथ जोड़ा, ये जो हमारे पास ये कलर हैं ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो वाइट कलर के हैं ये हमारे पास होल्स हैं। होना तो ये चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस साइड पे आते और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होल जो है सॉरी ये जो इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ जाते और ये होल इस साइड पे आ जाते तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। ये जो पॉजिटिव है यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे,
और यहाँ पे मौजूद होल जो है, इनके होल जो है, आपको मैंने बताया था कि ये एन टाइप के अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, जबकि ये कुछ चंद एक यहाँ पे होल जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे यहाँ पे आएंगे। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है इस साइड पे आना शुरू हो जाएंगे, और सेम यही यहाँ पे भी ऐसे होता है, ये जो होल्स हैं ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का होल्स को अपनी तरफ इस तरह इस साइड पे जो है वो अट्रैक्ट करेगा, जबकि यहाँ पे मौजूद जो चंद एक जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो इस साइड पे आना शुरू हो जाएंगे। तो करंट तो यहाँ पे फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज कैरियर हैं उन्होंने जंक्शन के क्रॉस मूव करके जाते तभी करंट फ्लो करना था, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस सेक्शन पे आके खड़े हो गए हैं, और जो यहाँ पे मतलब इस साइड पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं, ये तो मूव ही नहीं कर रहे, इसके क्रॉस पास करेंगे तो तभी हम बोलेंगे करंट फ्लो कर। यहाँ पे इन दैट केस यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, रिवर्स बायसिंग के केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो नहीं करता। और लेकिन आप यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, एक वक्त आएगा कि ये जो हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरी, इनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी कि ये जंप करके इस साइड से यहाँ पे आ जाएंगे, और ये वाले जो माइनॉरिटी चार्ज कैरी ये जंप करके इस जगह पे आ जाएंगे। उस वक्त हम बोलेंगे कि इन्होंने ये इस पूरे डायोड को जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया है, और ब्रेक डाउन के केस में थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा, उस वक्त उस करंट को लीकेज करंट या ब्रेक डाउन जो है वो करंट का नाम देंगे, या रिवर्स करंट का हम नाम देंगे। और एक चीज़ आप नोट कर लें, रिवर्स बाइसिंग के केस में जो करंट फ्लो होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से नहीं, बल्कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो हुआ है। इसके ग्राफ को अगर हम देखें तो इसका ग्राफ जो है वो यहाँ पे इस साइड पे ऐसे जो है वो मतलब पहले तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। इस साइड पे हमने वोल्टेज लिया है एक्स एक्सिस में, जबकि इस साइड पे हमारे पास जो है वो नीचे को जो है वो करंट आ रहा है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, शुरू में देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत स्मॉल सा करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल 25 वोल्ट के करीब हमने पोटेंशियल दे दिया फारा सिलिकॉन, तो उस वक्त ये सारा जो डायोड है इसका बैरियर ब्रेक हो जाएगा, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एक दूसरे में शफल होना शुरू हो जाएंगे। और उसके अलावा भी यहाँ पे मौजूद बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देने से, यहाँ पे मौजूद जो कोवलेंट बाड है वो ब्रेक होने से मज़ीद जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे, और यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रिएट हो जाएंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की तादाद बढ़ने से ये जो है थोड़ा सा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और हमारी डिवाइस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इन दैट केस यहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट जो है वो ऐसे फ्लो करना शुरू कर दी, इस करंट को हम रिवर्स बायसिंग या रिवर्स करंट जो है वो उसका नाम देते हैं। ये हमारा सारा जो है वो टॉपिक था जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन किया, और उसके बाद पीएन जंक्शन देखा। पीएन जंक्शन का हमने देखा किस तरह से इसको फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के तौर पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसी डिवाइसेज हैं डायोड जिसकी हेल्प से हम जो है वो करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जी ये हमारा टॉपिक था, उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। जी अल्लाह हाफिज़।